आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं। बच्चे जो है पहले बाहर बैठ के पढ़ते थे, ये भी पेड़ नहीं था। इसमें गेहूं कट गया है, सब चारों तरफ मैदान ही मैदान। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ऐसी ही लोकेशन की तो मैं तलाश कर रहा था। गांव के ब्लॉग में आप देखेंगे गांव से संबंधित, हमारे रूरल से संबंधित कुछ चीज़ें। तो ठीक है, हमसे जुड़ी हुई पर्सनल चीज़ें जो है, गांव की लाइफ स्टाइल क्या है, इसके बारे में आपको दिखाने वाले हैं। गांव में आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं और इधर अमरुद की कली आई हुई है, यानी अमरुद लगने वाले हैं, आम के फल लगे हुए हैं पेड़ों पे। उधर महुआ का पेड़ है, फिर महुआ के फल मिल जाएंगे इसमें, सुबह सुबह खूब गिरते हैं। बगल में जामुन है, तो जामुन के भी फल आ गए हैं, देखते हैं। जामुन के भी छोटे छोटे फल हैं, बरसात होगी तो ये सब बढ़ जाएंगे। और तमाम चीज़ें हैं जो गांव में मिलती हैं। और ये पेड़ है, ये हमें लग रहा है यूजलेस पेड़ है, लेकिन है, इसकी भी कुछ भूमिका है वातावरण में। और ये यहाँ पे हमारी खेती होती है, गांव में यही सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्जी वब्जी उगाई जाती है। वो नींबू के पेड़ है, सहजन, नींबू, अमरूद, सफ़ेदा। गाँव में ये सब चीज़ें, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, ताज़े ताज़े फल। इसमें खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरा, ये सब लगाए गए हैं। बगल में ये उठे बुजुर्ग, वहाँ पर लगाया गया है। तो बगल में रामायण चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा नुआई जा रही है। तो अभी हम अपने खेतों में, इसमें गेहूं कट गया है, सब चारों तरफ मैदान ही मैदान। और गांव में हमारे यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, तो देख सकते हैं पीछे गन्ना गन्ना सब। और यहाँ पे अभी गन्ना बचा हुआ है, ये गन्ना बचा हुआ है, और मतलब गन्ना चूस सकते हैं। ये पटान है, यहाँ पे ऐसे ही सामान वामान रखा जाता है, गाड़ी का, ट्रैक्टर का सामान वामान हर ओर इतने हैं। और वहाँ पर एक नाव पड़ी हुई है, और ये रोड गई है, तो वहाँ पे लोग देखिए गन्ने की निराई गुड़ाई लोग कर रहे हैं। ये रहा गांव, इस समय सब खेत खाली मिलेंगे आपको गर्मी के दिनों में। और ये रहा मेरा पुराना प्राइमरी स्कूल, इसका नवीनीकरण भी हुआ है, नया वाला बना है, लेकिन हम लोग प्राइमरी यहीं से पढ़े हैं। पूरा इकलौता, पूरे क्षेत्र में इकलौता स्कूल था ये। तो आइए पहले पटान पे, आपको वहाँ ले चलते हैं, उसके बाद स्कूल पे ले चलते हैं। तो आ गए पटान पे, और यहाँ पे नाव रखी गई है, ये लोहे की नाव है, लोहे की नाव है, इसलिए जो है टीन की कह सकते हैं, इसलिए बाहर रखी गई है, पानी में जंग लग जाएगा। एक बार बाढ़ आती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नाव बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सब ट्रैक्टर का हल रखा गया है, ये तो इसका स्टैंड टूट गया है, लेकिन काम करता है बराबर, तो इसकी भी अब ज़रूरत पड़ेगी। और ये गांव में इसको बारतावा कहते हैं। और बगल में घर है विश्वकर्मा जी का। ये रहा पटान, और गांव जैसे उधर भी गांव है, उधर भी गांव है, तो गांव ऐसे ही मिलेंगे आपको जगह जगह पे, घर 10 घर, 15 घर, 20 घर। चलिए आपको स्कूल पे ले चलते हैं। गाँव में इसमें लगन बहुत तेज़ से चल रही है, इसलिए शादी विवाह सब शोर शराबा, तो रामायण चल रहा है, हर कीर्तन चल रहा है, ये सब शादी के एक दिन पहले होता है, इसलिए आवाज़ आ रही है। और हम ले चल रहे हैं आपको स्कूल पे, उस स्कूल पे जहाँ पे हम लोगों का बचपन गुजरा, यानी 10 साल तक यहीं पर हम लोग पढ़े, यानी पाँचवीं का क्लास हम लोग यहीं पर पढ़े हैं 5वीं तक। ये स्कूल मेरे घर के पास में ही है, और ये सब ये अपना ही खेत है, वहाँ से वहाँ तक वहाँ, ये सब अपना ही है, इतना खाली ये सब अपना है। और उधर भी है, तो बगल में पटान अपनी थी, तो घर से 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है मेरा, इधर खेत भी है। और जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सब गेट नहीं था, इवन बाउंड्री भी नहीं थी। और हम लोगों के समय में यहाँ पर पूरा गड्ढा था, यहाँ पर गड्ढा था, यहाँ पर उस समय होता था कि यहाँ पे बच्चों से कुछ न कुछ खेती किसानी का काम करवाया जाता था, धनिया, मरचा, लहसुन, प्याज, ये सब टीचर लोग बोआते थे। और यहाँ पे देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तो 2 ही है, आते हैं बच्चे, सब क्रिकेट खेलते हैं। और ये रहा स्कूल, उस समय हम लोगों के समय में लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था, तो ये नलका जो है काफ़ी पुराना, हम लोगों के समय ये गड़ा था,
जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय गड़ा था, यानी 20-25 साल पुराना है। और ये लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था, ऐसे केवल दो कमरे, एक ऑफिस हुआ करती थी, पुराना प्राइमरी स्कूल जितना भी हुआ करता था बस इसी डिज़ाइन में बनता था। और ये काफ़ी पुराना हमें लग रहा है, 50 साल पुराना हो गया है। बस ये ऑफिस हुआ करती थी, इसमें बहुत सारे ऑफिस, ये कार्यालय लिखा हुआ है, ऑफिस थी, लेकिन इसमें प्रिंसिपल नहीं बैठते थे, जो प्रधानाचार्य थे बैठते नहीं थे। इसमें सब सामान पड़ा था, खेल का सामान, सीखने का सामान पड़ा था। और ये स्कूल, ये क्लासरूम था, एक ये तो चौथी क्लास का और ये पाँचवीं क्लास का। देखिए इसमें पूरा टूट गया है, ओहो इसमें तो पूरा खंडहर हो चुका है, इसको बाहर भी निकल सकते हैं। तो पीछे आ गए हम लोग, पीछे उस समय यहाँ पे पूरा झाड़ियाँ थी, पूरा जंगल था यहाँ से, मतलब आर पार नहीं देख सकते थे, मेउड़ का और कौन कौन सा पेड़ था, बहुत सारा पेड़ था। अब तो सब खत्म हो गया, और जैसे वहाँ पे पूरा घना घना लग रहा है वैसे ही पूरा था। तो ये चौथी क्लास का, पाँचवीं क्लास का था। इस बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर मैं खुद पढ़ाया हूँ, मैथ मैं खुद पढ़ाता था, क्योंकि हम लोगों के समय में एक टीचर होने की वजह से हम ही क्लास लेते थे मैथ का, मैथ हमको बता देते सर, और मैथ थोड़ा सा हमारी सही थी तो हम मैथ का क्लास लेते थे, इसमें चौथी का, पाँचवीं का। फिर बाद में धीरे धीरे टीचर लोग आए, ये कार्यालय था तो इसमें कुर्सी वर्सी रखी जाती थी, और बस वही कि हफ्ते में कभी कभार महीने में खुलता था, कुर्सी वर्सी तो क्लासरूम में भी रख दी जाती थी, और ये सब कुछ नहीं था। और यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे, प्राइमरी के बच्चे जो है पहले बाहर बैठ के पढ़ते थे, चौथी पाँचवीं के बच्चे अंदर पढ़ते थे, और बाकी सब अली गदैया जो भी है, अली गदैया 1, 2, 3 के बच्चे सब बाहर बैठ के झुंड बना के सब लोग पढ़ते थे, आलेख बोला जाता था। और ये सब बिल्डिंग बाद में बनी है, ये बिल्डिंग बाद में बनी है सब, अभी जो नए समय में लैट्रिन बाथरूम, बच्चों का मिड डे मील, ये सब तो बाद में हुआ। तो यहाँ से बिल्डिंग जो है जितना रंगाई पुताई हुई है ये सब बाद में बना, पहले कुछ नहीं, बाउंड्री भी नहीं था, उधर बांस का पेड़ था, इधर नीम थी, जो नीम दिख रही है ये भी पेड़ नहीं था हम लोगों के समय में। और इधर गड्ढा था, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा था, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था। और उस समय ये नीम का पेड़ बड़ा भयंकर हुआ करता था, इसकी जड़ें जो है सब दिखती थी, उस पर जड़ों पर लोग बैठते थे। अब तो पूरा पड़ गया, लगभग 8-10 फीट पड़ गया है, तो इसलिए सारी जड़ें जो है अंदर चली गई, नहीं तो जड़ों पे लोग बैठ के पढ़ते थे, लोग क्या बच्चे बैठ के पढ़ते थे। और इस तरह से हम लोगों की प्राइमरी की शिक्षा यहीं से हुई है, और 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग यहीं सीखे हैं, बाकी 1, 2, 3 हम लोग छठवीं क्लास से सीखे हैं, ABCD छठवीं क्लास से सीखे हैं। तो हम लोगों के उस समय ये सिस्टम नहीं था, शिक्षा में बदलाव बाद में आया, तो प्राइमरी से फिर लागू हुआ ABCD 1, 2, 3, 4। हम लोग सिर्फ शुद्ध हिंदी मीडियम, यानी 10 साल तक, पाँचवीं तक बच्चा रहता है, 10 साल तक हम लोग शुद्ध हिंदी मीडियम थे, यानी 1, 2, 3 पढ़ते थे और कखा कखा पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल, और जितने पुराने लोग हैं सब लोग लगभग यही चीज़ पढ़े होंगे। तो ये रहा मेरा गांव और मेरा प्राइमरी स्कूल। चलिए हम भी थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं बच्चों के साथ, अभी धीरे धीरे और बच्चे आ रहे हैं, और चूँकि संध्या का समय हो रहा है इसलिए बच्चे धीरे धीरे अब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम गांव की पहली वीडियो, यानी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ माय विलेज, हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।